अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो सुनने से पहले आप अपने हाथ में एक कॉपी पेंसिल ले लें, कोई भी डायरी, कोई भी रजिस्टर और पेन वगैरह हाथ में रख लें, क्योंकि इससे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। टॉपिक कुछ ये है कि आपके सामने आगे हैं कुछ नेम्स। अब ये कमीज़ की इकसाम है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कमीज़ों की इकसाम है। बेसिक चीज़ों से आगे हटकर जो इकसामें होती हैं ना हर चीज़ की, ये वो है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स कह लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन कह लें, ठीक है। जैसे कि आपको इस टाइम स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहे हैं, नंबर वन पर है सादा कमीज़। सादा कमीज़ सिंपल, जो बहुत सारे लोग वो सिलाई करते हैं वो सादा ही है, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। ओपन कमीज़ है। अब ओपन कमीज़ में आपको पता है कि आप सिंपल ओपन शर्ट रखते हैं, आपने कोट कॉलर के साथ ओपन शर्ट रखनी होती है, आप और बहुत सारा डिज़ाइन ओपन शर्ट में कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन लखनवी अंगरखा है। अब इंडियन लखनवी जो अंगरखा है, इसमें आप शर्ट भी बना सकते हैं, आप फ्रॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके बाद ए लाइन कमीज़ है, जो कि सादा कमीज़ की तरह ही होती है, बस नीचे हमें दामन को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। गोल घेरे वाली कमीज़ है, वो भी आपको पता है सादा कमीज़ के साथ ही की होती है, बस घेरे को थोड़ा सा करना पड़ता है। कुर्तियाँ हैं तो वो थोड़ा सा ब्रांडेड टच में चली जाती हैं। उसके बाद ये त्रीज़ वाला कुर्ता है, ये होता तो बड़ा ही कमाल का है, मतलब अब ये इसमें ये टोटली डिफरेंट है। त्रीज़ वाला जो कुर्ता है, ये मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये कुर्ता यूँ समझे कुर्तों की बुनियाद है। कुर्ता जो है वो स्टार्ट ही इधर से हुआ था, यही असल कुर्ता था। उसके बाद तो आसानी करने के लिए जी खुली बाजू रख लो, खुली शर्ट कर लो तो वो आपका कुर्ता कहलाता है। नहीं, अभी भी ब्रांडेड कुछ डिज़ाइनर ऐसे हैं जो ऐसा कुर्ता बनाते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं वो, कुछ टेलर हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। आपको साथ साथ नंबर नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप साथ साथ मेरी चीज़ों को भी सुने और साथ साथ वो नंबर के साथ चीज़ों को नोट करना है आपने, कि आपने क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ आपको आती है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सादा अंगरखा है, जो लेसिस के साथ बनता है, जो सिर्फ दिखावे के लिए बनता है। चकोर बाजू वाला कुर्ता, जो कि एल शेप में होता है, अगर मैं आपको आजकल आप एल शेप ही सुनते होंगे, वैसे चकोर बाजू वाला कुर्ता इसको कहते हैं। एल शेप वाला जो कुर्ता है वो भी सादी कमीज़ के साथ का ही होता है, लेकिन उसकी जो शोल्डर्स की कटिंग होती है टोटली डिफरेंट होती है। मर्दाना कमीज़ जो लड़कियाँ शौक करती हैं मर्दाना शर्ट पहनने का, उनकी लेडीज़ लिहाज से ही उस शर्ट की भी कटिंग होती है। पॉकेट वाली कमीज़, फ्रंट पॉकेट, साइड पॉकेट्स, ऊपर की जो पॉकेट्स होती हैं वो वाली कमीज़ है, वो भी सादी कमीज़ के साथ ही तकरीबन मैचिंग होती है। उसके बाद आ जाती है मैक्सी। मैक्सी में मैं आपको बताऊं कि जैसे अब आपको 14 नंबर पे सिंपल फ्रॉक नज़र आ रहा है, मैक्सी और फ्रॉक में बहुत फ़र्क होता है। सिंपल फ्रॉक के बाद ही हम हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रॉक है, उसके साथ अब आपने डिज़ाइन करना है कि भाई आपको सिंपल फ्रॉक बनाना आ गया, अब आप बॉक्स प्लेट वाला भी फ्रॉक बना सकते हैं, पेंटेक्स वाला फ्रॉक बना सकते हैं, कलियों वाला फ्रॉक बना सकते हैं। कलियों वाले फ्रॉक में आ जाती हैं 4, 6, 12, 24 कलियों वाला भी फ्रॉक होता है, इवन इससे भी ज़्यादा कलियों वाला फ्रॉक आप बना सकते हैं। कलियों वाला ही फ्रॉक आप बॉडी के साथ भी बना सकते हैं। अब ये ज़रा फ्रॉक अम्ब्रेला फ्रॉक भी, इसमें भी आप बॉडी अलग भी रख सकते हैं, फुल ऊपर से भी फ्रॉक लेकर आ सकते हैं। अब ये ज़रा फ्रॉक वाली लाइन चल रही है, तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ डिटेल से बताती चलूँ कि मैक्सी और फ्रॉक्स में बहुत फ़र्क होता है। मैक्सी जो होती है वो स्ट्रेट होती है, मैक्सी आपकी कभी भी फ्रॉक वाली लुक नहीं देती, उसमें कपड़ा भी कम यूज़ होता है, वो बस स्ट्रेट लुक होती है, एक नॉर्मल घेर के साथ होती है और फिटिंग में होती है। मैक्सी को आप लूज़ नहीं बना सकते हैं, मैक्सी होती है फिटिंग में। अब अगर फ्रॉक्स देखे जाएँ तो फ्रॉक्स आपको पता है कि आप लूज़ भी पहनते हैं,
फिटिंग में भी पहनते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन मैक्सी की एक अलग ही डेफिनेशन है। एक तो वो फुल लॉन्ग होगी, वही मैक्सी के लाएगी, और स्ट्रेट होगी, उसमें कोई फॉल नहीं होगी, उसमें कोई बैगी टच नहीं होगा, ठीक है। अब फ्रॉक में तो आप चुनर्स वगैरह डाल के फॉल बना सकते हैं, कलियां डाल के अम्ब्रेला फ्रॉक। फ्रॉक और मैक्सी टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको? उसके बाद स्कर्ट्स, बहुत सारी यूनी गोइंग या टीन एजेस लड़कियों को आजकल के दौर में स्कर्ट्स भी बहुत पसंद आ रही हैं, जिनको मैक्सी स्कर्ट भी कहा जाता था। मैक्सी स्कर्ट इसलिए कहा जाता है कि वो आपकी वेस्ट तक, यानी जो कमर की फिटिंग होती है ना स्कर्ट आपकी, वहाँ तक होती है, उससे ऊपर आपका होता है ब्लाउज। इसके बाद अगर 17 तक हम आ चुके हैं, 18 नंबर पर आपको साड़ी, साड़ी की स्टिचिंग, 19 पर आप देखें तो लहंगा है। लहंगा भी बहुत तरह से सिलाई होता है, लहंगे में बहुत सारी इकसाम हैं। उसके बाद सादा अबाया है, अरेबिक अबाया है, अब तो जो लड़कियां अबाया वेयर करती हैं वो खुद भी बनाना जानती हैं बहुत सारी। जिनको नहीं बनाने आते तो कोई बात नहीं, उनको भी हम सिखाएंगे कि वो घर में कैसे अबाया बना सकते हैं। उसके बाद आती है बैगी कमीज़, बैगी कमीज़ भी बहुत इन रहती है एक अरसे में। आपने अपनी डायरी पे लिखनी है कमीज़ की इकसाम, और इन नंबरिंग में से जो चीज़ें आपको नहीं आती वो नंबर के साथ आप आगे नेम लिख लें। आप अपने पास डायरी में तो चीज़ें लिखेंगी, नंबर के साथ लिखें या नेम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है, चाहे तो आप नाम लिख के बता दें, जैसे कि आपको कलियों वाला फ्रॉक या साड़ी लहंगा फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी जो रिक्वायर्ड है वो मुझे बता दें कि इन चीज़ों में से, कमीज़ की इकसाम में से आपको जो चीज़ें आती हैं उनके भी नाम मुझे बता दें, जो नहीं आती आप मुझे उनके भी नाम बता दें, ताकि आगे चल के मुझे समझ आ सके कि लड़कियों को क्या चाहिए, तो मैं अपने कोर्स को या अपने चैनल को उसी लिहाज से लेकर चलूं। इसी तरह कमीज़ की इकसाम के बाद आ जाती है शलवार पजामे की इकसाम, वो भी काफ़ी सारी हैं, वो भी आपने इसी तरह नोट डाउन करके मुझे बतानी है। अब बात करते हैं शलवार और पजामे की, ये भी मैंने नंबरिंग के साथ यहाँ आपको देखें सामने नज़र आ रहा होगा, नंबर्स के साथ मैंने मेंशन की हुई हैं कुछ चीज़ें। तो जिसमें पहले नंबर पर आती है सादा शलवार, जो कि बेसिक शलवार है, जो कि मैंने आपको बता दी है। सादा शलवार से ही अब आपने डिफरेंट शलवारें निकालनी होती हैं। कलियों वाली शलवार है, इसमें चार कलियों वाली है, दो कलियों वाली है, छोटी चार कलियों वाली है, छोटी दो कलियों वाली शलवारें हैं। इसी तरह से नीचे आ जाती है पटियाला शलवार, इंडियन शलवार। अब बहुत सारे लोग पटियाला, इंडियन को पटियाला शलवार कह रहे होते हैं और इन पटियाला शलवार को इंडियन शलवार कह रहे होते हैं, जबकि पटियाला शलवार बिल्कुल डिफरेंट है, इंडियन शलवार बिल्कुल डिफरेंट है। यहीं पर आ जाते हैं ट्यूलिप शलवार पर, और नंबर 6 पर है समोसा शलवार। आप में से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, और ये कंफ्यूजन अमूमन रहती है कि ट्यूलिप शलवार और समोसा शलवार को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि समोसा शलवार बिल्कुल डिफरेंट होती है और ट्यूलिप शलवार बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब सादा शलवार से ही आगे कलियों वाली भी शलवार निकली हुई है, पटियाला शलवार भी, इंडियन शलवार भी, ट्यूलिप थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, समोसा शलवार भी डिफरेंट आ जाती है, बेल्ट वाली शलवार भी कॉमन है, सिंपल यूज़ होती है। और उसके बाद आ जाती है अलादीन शलवार, अलादीन शलवार भी बहुत प्यारी शलवार होती है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट शलवार है, इसको भी बहुत सारे लोग पटियाला शलवार से मुशाबत करते हैं, लेकिन ये वैसी नहीं होती है। फिर आ जाती है बैगी शलवार, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। ये हैं कुछ शलवारों के इकसाम। इसी तरह अगर हम पजामा वाली साइड पर जाते हैं तो 10 नंबर पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो पजामा है, सिंपल पजामा है, स्ट्रेट कटिंग है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है सिंपल पजामे के साथ। अब आगे कितने पजामे की कैटेगरीज हैं, चूड़ीदार पजामा आ जाता है जो कि सिंपल कटिंग होती है, बॉक्स कटिंग चूड़ीदार पजामा जो कि एक थैला सा बना के उसके बाद हम उसको चूड़ीदार पजामा बनाते हैं। इसके बाद कैप्री पजामा है, जो ट्राउज़र की एक किस्म होती है, उसको हम बहुत ही स्ट्रेट और बड़ा तंग सा बनाते हैं। फिर आ जाता है पेंट पजामा, पेंट पजामा भी जैसे ये मर्दाना ड्रेस पेंट होती है उस टाइप की उसकी शेप होती है। इसके बाद आ जाता है ट्यूलिप पजामा। अब ट्यूलिप शलवार और ट्यूलिप पजामा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, शलवार डिफरेंट है, पजामा डिफरेंट है। बेल बॉटम पजामा है, सिगरेट पजामा है, ये भी काफ़ी मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। लोग ट्राउज़र को कैप्री को ही सिगरेट पजामा भी कह रहे होते हैं, नहीं,
इसके बाद आ जाता है प्लाजो, उसके बाद 1920 नंबर पर शरारा और गरारा। इस पे भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, किस वो शरारा को गरारा कह रहे होते हैं, गरारा को शरारा कह रहे होते हैं, इवन दोनों चीज़ों को शरारा भी कह रहे होते हैं, गरारा भी कह रहे होते हैं, जबकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद एंड पर आता है जंपर सूट, जो कि है तो वेस्टर्न ड्रेस, लेकिन अब यहाँ पे भी काफ़ी लड़कियों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से कमीज़ों के इकसाम और शलवारों के इकसाम मैंने आपको बताई हैं, तो आपने कमेंट में मुझे बाय नेम ये चीज़ें बतानी हैं, नाम लिख के बता देना है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं, जो मतलब फिर मैं उस लिहाज से अपने चैनल को आगे लेकर चलूं, अपनी वीडियोस को उस लिहाज से लेकर चलूं कि लड़कियों की क्या रिक्वायर्ड हैं, उनको क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता। अब इन सब चीज़ों में से मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी ये आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, कमीज़ों के भी इकसाम और शलवार और पजामा के भी जो इकसाम है, ये सारे जो नंबरिंग के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ पे अब आपने अपना अंदाज़ा खुद लगाना है कि आपको क्या कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, आपने हर हफ्ते इन चीज़ों को सीखना है। अब ये नहीं कि स्टार्ट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, नहीं, हर चीज़ बेसिक से शुरू होती है, फिर आपकी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आती हैं। जब आपको ये चीज़ें आ जाती हैं तो समझ लें कि आप चीज़ देख के चीज़ को बनाना जान गए हैं। ये सारी चीज़ें फिर बड़े मास्टर लेवल पर चली जाती हैं, इससे भी ऊपर का लेवल है, इससे भी ऊपर की बहुत सारी चीज़ें हैं ड्रेसेस के लिहाज से, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ इतनी। और फिर आप मुझे मैं फिर कहूँगी कि साथ साथ मुझे बताएं, नाम के नाम लिखकर कमेंट में नाम लिखें, बताएं कि मैं फिर अपनी वीडियोस को उसी लिहाज से लेकर चलूँ। तो अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।